वो बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने बहन और भीड़ एक साइड में कर लोग भेड़ बकरी गड़ेरिया के साथ बस्तरा मोड़ से लालगंज तहसील तक पैदल आए हैं और भेड़ों के साथ आए हैं। करीब 10,000 से का 15,000 भेड़ और 3,000 गड़ेरिया, पूरी नेशनल भाई नेशनल हाईवे रीवा मिर्जापुर जाते हैं। चक्का जाम अपने आप हो गया, हम चक्का जाम थोड़ी करें। इतनी भेड़े थी, इतनी पब्लिक थी, कैसे गाड़ी जाएगी? तहसीलदार का कार्यालय जो उनके सामने उनके घरे में कैसे लग जाए, उनके द्वारे उनके तहसील परिसर में गड़ेरिया भेड़ी सब इकट्ठा, सब इकट्ठा बच्चे। तो आज हम लोगों ने अपनी पहचान बताने के लिए अपना जो पेशा है भेड़ बकरी के साथ में, अपने समाज के माताओं बहनों के साथ में, हमने यह दर्शाने का प्रयास किया कि भाई आप देख लो कि आपके तहसील लालगंज में धनगर गड़ेरिया पाए जाते हैं। क्या जरूरत पड़ गया भेड़ को समझ पिलाने का? हमारी पहचान थी, इनको पहचान बताना था, क्योंकि इनका कहना था धनगर पाए ही नहीं जाते हैं। तो हमारा पेशा है भेड़ बकरी, इसके लिए भेड़ को लाना हमारी मजबूरी बन गई। अथवा हम नहीं चाहते थे कि हम शासन को परेशान करें, अपने समाज को परेशान करें, या जो हम भेड़ भवानी मानते हैं जिसका हम रोटी खाते हैं उसको परेशान करें। इन्होंने हमको मजबूर कर दिया, इसलिए हम लोगों हमको लाना पड़ा। 100% अगर हमको रोका नहीं गया होता तो हम बगैर रुके हम सीधे चले जा रहे थे तहसील कार्यालय पे, हम चले जाते थे। लेकिन रोका गया तो स्वाभाविक है कि कुछ जनता आगे, कुछ भेड़ पीछे, कुछ भेड़ आगे, कुछ जनता पीछे, तो जाम लगना स्वाभाविक है। अगर नहीं माने तो अब हमारा समाज पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुका है। अब करो या मरो का नारा दे करके अगली रणनीति बनेगी। हम जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि धनगर गड़ेरिया समाज सीधा साधा भोला समाज वाला समाज है। लेकिन जब सीधा साधा भोला वाला आदमी जब ज्यादा छेड़ा जाता है, जब सीधा साधा आदमी जब उग्र रूप धारण करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो साथ शासन और प्रशासन के खिलाफ भी हो जाए। धनगर जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ज्ञापन प्राप्त किया गया है और इनसे हलफनामा लेकर के और जांच पड़ताल करने के बाद वास्तविक अगर धनगर होंगे तो इनको जारी किया जाएगा।
अभी तक सबको गड़ेरिया पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहा था। अब इनका कहना है कि हम लोग धनगर हैं, धनगर बहुत पहले से ही अनुसूचित जाति में समाहित है, धनगर को पहले से ही अनुसूचित जाति में मान्य किया गया है, हाई कोर्ट से आया है सर, इसको पहले से ही है, धनगर तो पहले से ही अनुसूचित जाति में था। अब आप लोगों का कहना है कि हम लोग जो है एक हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक उसके परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में धनगर या गड़ेरिया की उपजाति है तो गड़ेरिया को या जो धनगर हैं उनको धनगर का जाति प्रमाण पत्र जारी किया।